हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज जैसे कि मेरे हाथ में देख सकती है ये जो Redmi Note 9 Pro है और इंडिया के अंदर जो MIUI 12.5.2.0 का एक इनहेंस वर्जन जो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो यार काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि ये जो इनहेंस वर्जन है या फिर कौन सा वर्जन है। यहाँ पर जो साइज़ की बात करो तो लगभग जो 700 MB के आसपास जो इसकी साइज़ देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पर जो अगर आपको जो आवाज़ में मेरे जो है कुछ मतलब यार यहाँ पर कमी लग रही है, मतलब थोड़ा सा आवाज़ जो धीमा लग रहा है, तो यार समझ जाना इतने बज चुके हैं रात के, तो लगभग जो मैं 12:30 बज चुके हैं और मैं जो अब वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो मैंने जो अभी यार अपने फ़ोन के ऊपर जो रैम का जो है फ्लैश कर दिया है जो कि MIUI 12.5.2.0 जो कि हमारे Redmi Note 9 Pro के इंडियन यूजर्स के लिए जो है देखने को मिल जाती है। तो चलो गाइज इसके अंदर देख लेते हैं क्या कुछ हमें जो है नया देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर क्वालिटी भी यार थोड़ी बहुत जो आप लोगों को इसमें कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यार दूसरा फ़ोन जो है मेरे पास है उसके अंदर जो बोया माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जो इससे शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन की बात करें तो MIUI 12.5.2.0 देखने को मिल जाता है। और व्हाट्स न्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लॉग दिखाता है, बिकॉज मैं कोई भी बीटा पायलट टेस्टर नहीं हूँ, इसके वजह से मुझे यहाँ पर जो है मैंने कस्टम रिकवरी से अपने फ़ोन के ऊपर फुल रिकवरी फ्रेश की है। अगर आपको भी अपने फ़ोन में करना है तो मैं जो आप लोगों को लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब जो गाइस यहाँ पर चलो फटाफट जो देख लेते कि इसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो सबसे पहले बात करें तो यार आप लोगों को यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर जो आप लोगों को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आप बोल सकते हैं। जो अभी मंथ स्टार्ट है उसका ही आप लोगों को इसके अंदर जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं, तो ये जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है। तो गाइज अभी जो आगे के फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि ये जो इनहेंस वर्जन है या फिर नॉर्मल वर्जन है, तो मैंने जो अपने फ़ोन के ऊपर इसे इंस्टॉल करने के तुरंत बाद मैंने चेक किया एडिशनल सेटिंग के अंदर जाके, तो यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स कि ये जो एक इनहेंस वर्जन है प्रॉपरली, जैसे कि Redmi Note 10 Pro के अंदर भी एक वर्जन जो है मतलब न्यू वर्जन का अपडेट आया था, लेकिन यार उसके अंदर भी सेम साइज इतनी ही देखने को मिल जाती थी, मतलब 700 समथिंग कुछ देखने को मिल जाती थी। बट उसके अंदर जो MIUI 12.5 का इनहेंस वर्जन नहीं आया, मतलब कुछ फोन के अंदर जो शो कर रहा है कि ऊपर जो MIUI 12 के लोगों के नीचे इनहेंस वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर उसके अंदर शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर यहां पर ऐड हो चुका है और यहां पर आप जो 1 GB तक जो है रैम इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब काफी लोगों को पता नहीं होता कि ये जो रैम मतलब मेमोरी एक्सटेंशन क्या है, सिर्फ यार लोगों से सुनते रहते हैं, तो मैं जो एकदम शॉर्टली बता देता हूं गाइस कि ये क्या करती है। मतलब ये गाइस यार सॉफ्टवेयर तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड यहां पर एक जो है अपने फोन के स्टोरेज में से 1 GB रैम आपकी क्रिएट कर देती है और आपके स्टोरेज में से 1 GB जो यहां पर ले लेती है। और इससे जो आपको बैकग्राउंड में जितने भी कोई भी ऐप रन कर रहे उसके अंदर जो वो डाल देती है, मतलब जितने आप प्रीवियस ऐप यूज़ करते थे उसके अंदर भले ही आपके 2 या 3 वर्क करते थे प्रॉपरली रहते थे, बाकी की किल हो जाती थे। तो अब जो यार आपको जो थोड़ा बहुत जो उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो अच्छा खासा जो आपको यहाँ पर जो है रैम के अंदर जो है मतलब अच्छा देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐप जो आपके किल नहीं होंगे अब जो है, तो इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसे मेमोरी एक्सटेंशन बोला जाता है। तो ये जो फीचर यहाँ पर 1 GB रैम का आप जो ऐड कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, आप उसे डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये जो इनेबल हो जाता है। अब जो गाइज दूसरी बात की Redmi Note 9 के अंदर भी ये जो एक इनहेंस बेस अपडेट जो देखने को मिला है हमें, लेकिन उसके अंदर अगर आप जो बैटरी के अंदर जाते हैं बैटरी सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एक न्यू UI देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर बैटरी के अंदर जो परफॉर्मेंस मोड लो मोड मतलब यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप लोगों ने उसे भी देखा होगा, लेकिन इस फ़ोन के अंदर ऐसा कोई भी हमें ऐड नहीं हुआ देखने को मिल जाता है। देख सकते एज इट इज़ नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। मैंने जो सेटिंग्स के अंदर जाकर जितने भी यार इसे इनेबल करने के मेथड होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के ऊपर भी बताया था काफ़ी लोगों का ये जो Redmi Note 9 के अंदर भी इनेबल नहीं हो रहा था, मतलब न्यू UI, तो मैंने बताया था कि आप जो बैटरी मतलब सेटिंग में जाकर ऐप्स में जाकर यहाँ पर जो मैनेज ऐप्स में जाकर जो बैटरी का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है, तो यहाँ पर देख सकते बैटरी एंड परफॉर्मेंस, इसका डेटा वगैरह क्लियर करके देख लीजिएगा और सिक्योरिटी ऐप्स को भी क्लियर करके एक बार रिस्टार्ट करके फ़ोन को देख लीजिएगा, तो आपके फ़ोन में आ जाएगा। लेकिन मैंने सबको जो मेथड इस फ़ोन के अंदर ट्राई किया आफ्टर अपडेट, तो इसके अंदर तो मुझे कोई भी यहाँ पर न्यू
इन मतलब यहाँ पर जो यूआई है, जो परफॉर्मेंस मोड है, वो जो यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि इस अपडेट के अंदर वो जो है इनेबल नहीं हुआ, तो यार ये जो यहाँ पर एक डाउन साइड आप बोल सकते हैं, बुरी बात है, क्योंकि यार रेडमी नोट 9 के अंदर देखने को मिल जाता है बट प्रो के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी अब जो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इसके अंदर जो है गेम टर्बो के अंदर जो है वाई चेंजर वगैरह आया होगा, तो मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यार बाद में आप जो कमेंट्स करते रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो पबजी को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, मतलब ये जो एक BGMI है तो पबजी का है आप बोल सकते हैं यार। तो मैंने जो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो ये जो है न्यू वाला, ये जो है मैंने सिक्योरिटी ऐप्स को इंस्टॉल किया है, इसलिए जो आप लोगों को ये लुक देखने को मिल रहा है, नहीं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो पुराना होता है वही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जो है यार वॉइस चेंजर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया। टाइमर के बाजू में एक पैनल आ जाता है जहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने जो यार इसके अंदर चेक किया तो इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये जो यहाँ पर एक बुरी बात है, क्योंकि यार हमें देखने को नहीं मिला। पोको X2 के अंदर शायद से देखने को मिल चुका है अपडेट के थ्रू, लेकिन हमें जो इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब जो यार यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करें, जो कि वीडियो टूल बॉक्स, मैंने खास करके ये सिक्योरिटी ऐप्स क्यों अपडेट किया है मैं बता देता हूँ, जो कि यार MIUI के अंदर जो वीडियो टूल बॉक्स एक न्यू आया है, जो कि यार MIUI 12.5 इनहेंस वर्जन के साथ वर्क करता है, मतलब उन डिवाइसेस के अंदर जो वर्क करता है इनेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो उसे चेक करने के लिए सिक्योरिटी ऐप्स को अपडेट करके देखा, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें जो न्यू UI वीडियो टूल बॉक्स वाला देखने को नहीं मिला, जो कि यार स्मार्ट टूल बॉक्स आप बोलते हैं, मैंने जो उसके रिगार्डिंग वीडियो डाला है, तो ये जो इसके अंदर भी देखने को नहीं मिला। तो ये एक यहाँ पर जो बुरी बात है। बाकी यार यहाँ पर जो आपको और क्या मैं बताऊँ इसके अंदर क्या कुछ आया है, बाकी आप जो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं जो आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर क्या कुछ नया आया है या फिर क्या कुछ आया है, मैं जो आपको बाद में बताऊँगा, मैं इसे यूज़ करूँगा तब, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यार थोड़े टाइम पहले इसे मतलब अपने फ़ोन के ऊपर फ्लैश किया है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम जो है अगर कोई भी ऐप्स को ओपन कर देते हैं तो ऐप्स के ऊपर लॉन्ग प्रेस लगने के बाद क्या वो जो पुराने वाला ये जो UI आ जाता है, इसे यहाँ पर कुछ आता था, तो देख सकते हैं मैंने जो लॉन्ग प्रेस किया तो नहीं गाइड, डायरेक्टली ऐप इन्फॉर्मेशन में अंदर चला जाता है, मतलब वो जो पुराना UI हमें अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो है दिक्कत है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ऐप ओपन के अंदर कोई भी एनिमेशन वगैरह कुछ भी इस अपडेट के अंदर हमें जो है देखने को नहीं मिलता, तो देख सकते हैं सब कुछ जो यहाँ पर चला गया है, मतलब इस अपडेट के अंदर चला गया है या फिर प्रीवियस अपडेट के अंदर, क्योंकि यार मैं ज़्यादातर इस डिवाइस को यूज़ नहीं करता, तो आप ही मुझे बता दीजिएगा। अगर यहाँ पर देख सकते और मैं सेटिंग में अंदर जाकर यहाँ पर देख भी लेता हूँ कि मेरा जो क्या पता रिमो एनिमेशन वाला जो ऑप्शन मतलब इनेबल होगा, तो मैं जो उसे भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि यार कभी कभार मैं उसे भी इनेबल करके रख लेता हूँ। तो ये रहा रिमूव एनिमेशन, तो देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन भी ऑफ है मेरा, फिर भी यहाँ पर कोई भी एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिलती। एक बार मैं अपने फ़ोन की यहाँ पर देख लेता हूँ कि किस तरीके का देख लेकू, मतलब यार अनलॉक एनिमेशन भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यार इस तरीके का कुछ अपडेट है, सिर्फ इनहेंस वर्जन है गाइस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी हमें जो है देखने को नहीं मिलता, सिर्फ मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। अब जो इसकी डाउनलोड लिंक, OTA लिंक वगैरह, रिकवरी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और रही बात की अपडेट जो कब तक मिलेगा, तो यार ये जो अभी जो है कुछ पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला है, कुछ रैंडमली यूजर्स को भी देखने को मिल रहा है, तो मे बी जो यार विद इन आपको वीक के अंदर ये जो अपडेट देखने को मिल जाएगा, अगर इसके अंदर कोई भी बग्स ना हुए तो। तो दैट्स इट गाइस, इस तरीके का कुछ अपडेट है। आपको इसके अंदर जो कुछ नए फीचर पता चल गए हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग यार बैटरी चार्जिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ जो आने वाला है, तो चार्जिंग टेस्ट वगैरह देखना है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और मुझे कोई भी इसके बारे में नए फीचर पता चलते हैं तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।